नमस्कार, यूट्यूब स्टडी चैनल बुकल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और माय डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास में इंपल्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा और उसके बाद आप भी न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है। तो आप लोगों से जैसा मैंने कहा था कि प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और अपने नोट्स जरूर बनाइए। 11th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर 60% हमारा जो सिलेबस उठता है वो लगभग हमारा 11th में से उठता है। तो जो टॉपिक अभी आप सब पढ़ रहे हो, काइनेमेटिक्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या हम नेक्स्ट हम वर्क एनर्जी पावर ये सब स्टडी करेंगे और रोटेशनल मोशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये 11th क्लास का। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नीचे जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उनका अपडेट आप लोगों को मिल सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है अलग अलग चैप्टर्स के क्लास वाइज, तो जो भी चैप्टर और जो भी टॉपिक आपको देखना है वहां से जाकर के देख सकते हो। और उम्मीद करता हूं आप और लोगों को भी इसके बारे में बताओगे सो दैट कि अपना चैनल और अच्छे से ग्रो कर सके। सो बात करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इम्पल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो इम्पल्स है वो हमें पता है कि एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये हमें पता है। तो देखिए आज हम इनपे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमें क्या देता है, वो हमें इंपल्स या रेट ऑफ चेंज या फिर मोमेंटम चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आज इसी कंसेप्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ए बैट्समैन हिट बैक ए बॉल स्ट्रेट इन डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 केजी डिटरमाइन द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल अज्यूमिंग दैट द लीनियर मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बॉल जो है किसी बैट्समैन की तरफ आ रही है और उसने बॉल को क्या किया है, हिट किया है, और वो जिस वेलोसिटी से उसकी तरफ आती है हिट करने के बाद वापस भी उसी वेलोसिटी से जा रही है। बॉल की जो मास है वो 0.1 केजी गिवन है, मास ऑफ द बॉल 0.1 केजी, और इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल्स टू वो भी कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को माइनस लगा देते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में वो इनिशियल स्पीड से आई थी हिट करने के बाद ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें एक एडिशनल माइनस यहां यूज करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा इंपल्स जो है, इंपल्स का फॉर्मूला अभी आपने स्टडी किया था, क्या था, चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, मास इंटू वी माइनस यू। सिंपली वैल्यू पुट कीजिए, मास कितना है 0.15 इंटू वी, वी है माइनस 12 माइनस 12, और इस तरीके से ये माइनस का 0.15 इंटू 24, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3.6 न्यूटन सेकेंड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ए रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर एंड रिबाउंस टू ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर, फाइंड द इंपल्स एंड एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड इफ द टाइम फॉर विच दे वर इन कॉन्टेक्ट वाज 0.1 सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन को समझते सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि एक बॉल को जो है 1 मीटर हाइट से हमने ड्रॉप किया, यहां से इस बॉल को, ये 1 मीटर की हाइट है, यहां से यहां तक ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद सपोज करो ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट है, और हिट करने के बाद ये वापस रिबाउंस करती है कितना 0.5 मीटर तक, ठीक है। अब हमसे जो है क्या पूछा है, और हमें बॉल का जो मास है वो क्या गिवन है,
बॉल का जो मास है दैट इज एम इज इक्वल्स टू, एम इज इक्वल्स टू बॉल का जो मास कितना गिवन है, मास हमें 50 ग्राम गिवन है, 50 ग्राम। देखिए 50 ग्राम है तो हमें ये ग्राम में नहीं किलोग्राम में चाहिएगा जब भी जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाय हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर 5 डिवाइड बाय 100 किलोग्राम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ये रिबाउंस करती है 0.5 मीटर, फाइंड द इंपल्स एंड एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड इफ द टाइम फॉर विच दे आर इन कॉन्टेक्ट, कितने टाइम के लिए कॉन्टेक्ट में रहे, 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो हमें इंपल्स और फोर्स कैलकुलेट करना है। तो भाई मेरे देखिए, इंपल्स और फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे ही ये बॉल यहां हिट करेगी, हिट करने के बाद उसकी वापस रिबाउंस जब करती है, ये हिट यहां पे कर रही है, हिट करते हुए उसकी वेलोसिटी क्या है और हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी रिबाउंस करते हुए कितनी है, ठीक है। अभी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी और रिबाउंस करते हुए जस्ट कॉन्टेक्ट बनाने के जस्ट बाद में वो रिबाउंस जब करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए हमने बॉल यहां से ड्रॉप की है तो ड्रॉप करते हुए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा जीरो। ये दिमाग में रखना, फॉर्मूला हमारा लगेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, टू ए एस, ए की जगह पे जी है और एस की जगह पे हाइट एच, ठीक है। तो वी स्क्वायर भी हमें नहीं पता है, माइनस यू स्क्वायर यू जीरो है और इज इक्वल्स टू टू जी एच, जी की वैल्यू यहां पे 9.8 है और एच आप देख पा रहे हो 1 मीटर है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 19.6 और वी इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 19.6। ये वेलोसिटी हमारी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में हिट करते हुए। हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें नहीं पता। हिट करने के बाद देखो कुछ एनर्जी उसकी लॉस होती है हिट करने के बाद में, आप ये मत सोचना कि यही वेलोसिटी इसी वेलोसिटी के साथ वो रिबाउंस करेगा। अगर ऐसा होता तो वो एग्जैक्टली उतनी हाइट तक वापस रिबाउंस करता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये 0.5 मीटर तक जा रहा है। तो कहने का मतलब इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई है और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी है ये हिट करने के जस्ट बाद कुछ चेंज होगी। वो वेलोसिटी कितनी होगी, देखो अब रिबाउंस जब करेगी तो यहां तक जा रही है, यहां जाने के बाद में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। ऊपर जाएगी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, अल्टीमेटली जिस हाइट तक जाएगी वहां जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां हमने कुछ वेलोसिटी कंसिडर कर ली, सपोज करो यू वेलोसिटी है वो, तो अगेन हमारे पास में फॉर्मूला है क्या कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एच। अब इसमें वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी आपको पता है जीरो होगी, माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब ये हमारा यू की तरह पे काम करेगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं, हाँ यू तो हमें कैलकुलेट करना है। तो यू की वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है, टू जी, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 और एच कितना है 0.5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये आपको पता है माइनस का आ रहा है, ठीक है, माइनस आ रहा है, आप चाहो तो इसको माइनस से इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज माइनस से हमारा मतलब है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन है। सो यू स्क्वायर माइनस का इज इक्वल्स टू आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में 9.8 ही आ जाता है, ये 9.8, 2 5 1 हो जाएगा, ये 0.5 है और 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 9.8, और यू कैन से दैट यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी वेलोसिटी होगी हिट करने के, हिट करने के जस्ट बाद वो जिस वेलोसिटी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा वो ये वेलोसिटी होगी। अब देखिए हमें निकालना था इंपल्स, इंपल्स जो है क्या होता है m इंटू वी माइनस यू, ठीक है। अब m कितना है हमारे पास में मास, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू वी, ये v कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कौन सी है, ये वाली फाइनल है, u v से मत कंफ्यूज होना भाई, टकराने के बाद जस्ट बाद कौन सी वेलोसिटी है, देखो जब टकराते हुए वेलोसिटी क्या है और टकराने के बाद कौन सी है, ठीक है, टकराने के बाद वाली बाद में आई है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी ये है। तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 9.8, ठीक है। और अब अगर ये माइनस का, ये माइनस साइन लगा लो इसको, इसमें भी माइनस होएगा, ठीक है, और ये माइनस अंडर रूट
19.6 ये वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा आंसर जो होगा वो कितना आएगा देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, इनकी जरूरत नहीं अब हमें। देखिए इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप, इसकी वैल्यू निकालोगे, ये माइनस है, माइनस तो माइनस माइनस ऐड होंगे, तो माइनस का कोई चक्कर नहीं है यहां पे। जे इज इक्वल टू 5/100 और इनटू में हमारे पास जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 19.6 की, अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4.4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, 27, ठीक है, प्लस 3.13, ठीक है। और जो माइनस था वो आप चाहो तो आगे यूज कर सकते हो, और माइनस 5/100 इंटू इनका सम जो आप करोगे वो कितना आ जाएगा, करके देखो, सम करके देखो इसका, 7.5, 5.7, ठीक है। और इसको जो भी है काट पीट के जो आंसर आता है वो आंसर आ जाता है हमारा 0.378 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। माइनस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, जो इंपल्स है वो ये है। और हमसे क्या पूछा था, इसने फोर्स भी पूछा था, और फोर्स क्या होता है, एवरेज फोर्स क्या होता है, एवरेज फोर्स, इंपल्स का फॉर्मूला याद कीजिए, इंपल्स का फॉर्मूला क्या था, एज जे इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू जे डिवाइड बाय डेल्टा टी, जे कितना आया है 0.378, और डेल्टा टी जो टाइम हमें था कितना गिवेन था, 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड से इसको जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.78 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा फोर्स जो है ये आ जाएगा, ठीक है, एवरेज फोर्स इतना होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का जो मास है वो दे रखा है 40 ग्राम, दैट मीन्स 40/1000, और यू मे राइट इट एज 4/100 kg, ठीक है। और इसकी जो स्पीड हमें गिवन है, इनिशियल स्पीड वो कितना है, 1200 मीटर पर सेकेंड, 1200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन इट। फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, 144 न्यूटन ऑन इट, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट That can be fired from the gun per second. Per second हमें ये find out करना है कि कितने number of bullet जो है उसने fire किए होंगे। तो dear student, ऐसे question को बहुत आसान से हम कर सकते हैं, formula आपको पता है, एक bullet का जो change in momentum है वही impulse होता है, ठीक है। तो n bullets का impulse क्या होगा, इंपल्स ऑफ एन बुलेट, ये याद रखना फॉर्मूला, ठीक है। एक बुलेट का मास हमने स्मॉल एम कहा, उसकी वेलोसिटी जो भी है, स्पीड जो है बी से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एन इंटू एम, एन नंबर ऑफ बुलेट्स है, एम इंटू वी माइनस यू, आपको पता है कि ये हमारा मोमेंटम चेंज है, इसी को हम इंपल्स बोलते हैं। एक बुलेट का होता तो एम इंटू वी माइनस यू लिखते, लेकिन हमारे पास कितनी बुलेट है पर सेकेंड, एन नंबर ऑफ बुलेट है, ठीक है। उसने एन नंबर ऑफ बुलेट का जिक्र किया है, तो वो एन नंबर ऑफ बुलेट हमें फाइंड आउट करनी है, अगर हमें फोर्स जो है इतना अप्लाई करना पड़ता हो तो। अब देखिए फाइनल जो इनिशियल स्पीड है, ठीक है, इनिशियल, सॉरी ये फाइनल स्पीड होगी बुलेट की, इनिशियल स्पीड क्या होगी, यू, बुलेट जब है हमारी गन के अंदर है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो ये वैल्यू हम अगर इसमें पुट कर दे तो हमें इंपल्स पता चल जाएगा, ठीक है। और इंपल्स कैसे पता चलेगा, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी यहां पे कितना है, वो है हमारा 1 पर सेकेंड बात कर रहा है, टी की वैल्यू कितनी है,
वन. सो आप चाहो तो इंपल्स ऑफ एन बुलेट को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है, और इक्वल टू एन इंटू एम, एन इंटू एम वी माइनस यू. अब देखिए वैल्यू पुट करनी है आपको 144 इंटू वन, क्योंकि वन सेकेंड पर सेकेंड बोला है, वन सेकेंड. एन की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, एम 4 डिवाइड बाई 100, वी कितना गिवन है 1200 माइनस यू कितना है 0, जब वो बुलेट गन के अंदर थी तो इनिशियल स्पीड जो है. अब भाई इसको हम एन के लिए सोल्व करते हैं, 144 इंटू 100 डिवाइड बाय 4 इंटू 1200 आ जाएगा. 1200 से ये दो जीरो कैंसिल हुई, ये 12 पे कैंसिल, ये 3 पे. सो नंबर ऑफ बुलेट्स जो आ रही हैं वो आ जाएंगी 3 बुलेट्स पर सेकेंड. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, ठीक है. इस क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशन जो है ला सकता है आपको, लेकिन मेथड ये है, आप इस तरीके से जा सकते हो. यहाँ पे इंपल्स फॉर एन बुलेट लिखा है, या फिर आप लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम फॉर एन बुलेट्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल मूविंग विद मोमेंटम ऑफ 5 kg/s स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 degrees एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसने क्या कहा है कि एक बॉल है जिसका मोमेंटम हमें गिवन है, सपोज करो उसका इनिशियल मोमेंटम जो है 5 kg/s दे रखा है, ठीक है, और वो रिबाउंस करती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड विद सेम एंगल, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, और मोमेंटम जो है वो भी. अब आपको देखिए क्या है, इसको कुछ ऐसे समझिए, ये फिगर ड्रॉ करके बता देता हूं क्योंकि फिगर की यहां रिक्वायरमेंट होगी. ये सपोज करो ऐसे आके हिट करती है ये बॉल, ठीक है, इस बॉल का जो मोमेंटम है वो आपने कह दिया पी है, और ये 45 डिग्री एंगल गिवन है हमें. स्ट्राइक करने के बाद ये इस तरीके से 45 डिग्री एंगल के ऊपर ही वापस इधर आ जाती है, और जो उसका मोमेंटम है एक्चुअल में वो वही वैल्यू रहती है 5 kg/s, ठीक है. हम ये मान के चलते हैं कि यहां पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से स्ट्राइक करके ये यहां पे भी उसका मोमेंटम पी ही रहता है. अब देखो करना क्या है, इसके कंपोनेंट रिजोल्व करने हैं. ये पी है तो जिसके साथ एंगल है उसी के साथ, मैंने क्या बताया था, पी कोस ऑफ 45 डिग्री एंगल जो भी है, और इधर क्या बनेगा, पी साइन ऑफ 45 डिग्री. ऐसे ही इसका आप बनाओगे तो इसको रिजोल्व करोगे तो इधर क्या बनेगा, पी कोस ऑफ 45 डिग्री एंड दिस वन विल बी पी साइन ऑफ 45 डिग्री. बट पी साइन 45 और पी साइन 45 ये इक्वल एंड अपोजिट है, गेट कैंसिल, ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे. लेकिन ये पी कोस 45 सेम डायरेक्शन में है, तो नेट चेंज इन मोमेंटम जो होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हो और या इंपल्स कह सकते हो, ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम, इसको हम इंपल्स भी कह सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 2 P cos of 45 degree हम कहेंगे. 2 into P की वैल्यू हमें गिवेन है भाई 5 into cos of 45 degree. cos 45 आपको पता है कितना होता है, ये आ जाएगा 10 into 1/√2, ठीक है, और इसको आप सोल्व करोगे ये वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बता देता हूं. 10 into 1/√2 को आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.707, ठीक है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.07, ठीक है, kg/s ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है. टोटल चेंज इन मोमेंटम पूछ ले या इंपल्स पूछ ले, ये रहेगा. ये क्वेश्चन अच्छा है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो. हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करे, हो सकता है वो एंगल इसके साथ दे, वाल के साथ में,
तो बाल के साथ में दे रखा है उस केस में ये पी कोस 45 हो जाएगा और ये पी कोस 45 होएगा ये, या फिर कह सकते हैं जैसे मान लिया इसके साथ 30 डिग्री दे रखा है तो पी साइन 30 की जगह पे यहाँ पे पी कोस 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी पी कोस 30 आएगा। कोस क्यों लिया, क्योंकि एंगल इसके साथ बता रखा बाल के साथ, और इधर आएगा पी साइन 30, पी साइन 30, तो इस तरीके से 2P साइन 30 एड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ग्राफ गिवन है, द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज 5 m/s, ए फोर्स एक्ट फॉर 4 s इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, द फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ द फोर्स एंड द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी। तो भाई हमें इंपल्स कैलकुलेट करना है, ग्राफ गिवन है फोर्स और टाइम के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना गिवन है, m इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है, और उसकी इनिशियल जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड u, वो कितना है 5 m/s, 5 m/s। हमें सबसे पहले इंपल्स कैलकुलेट करना है, और इंपल्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एरिया अंडर दी कर्व, जो हमारा एरिया नजर आ रहा है इसका, ठीक है, ये जो आपको शेप नजर आ रही है इसका एरिया अगर हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि इसका इंपल्स ये होगा। तो बेटा इसको क्या मैंने आपको लॉजिक बताया था, इसका लॉजिक बताया था एरिया अंडर दी कर्व, वो हमें देता है इंपल्स। इंपल्स इज इक्वल्स टू एरिया अंडर दी कर्व, कर्व कौन सी है, ओ ए बी सी डी, ठीक है, और इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, देखो यहां से यहां तक का जो है, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है इसको मैं एक ट्रेपीजियम कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है ए बी, प्लस यहां है ओ बी डैश, ये बी डैश है, ठीक है, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड जो है ए ए डैश लिख सकते हैं, ए ए डैश, ठीक है, प्लस अब ये जो है ये भी एक ट्रेपीजियम बन रहा है, इसका एरिया भी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड में कौन सी है बी बी डैश प्लस सी सी डैश, ठीक है, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का हो जाएगा जिसको हम कह सकते हैं बी डैश सी डैश, और ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये हमारा क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, और प्लस जो है रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा हमारा सी डी इंटू, आप चाहो तो लिख सकते हो सी सी डैश, ठीक है, या इसको डी डैश भी कह सकते हो आप, इसको ई कह सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, तो चाहे आप इसको डी ई लिख लीजिए या सी सी डैश ले लीजिए, एक ही चीज वैल्यू पुट कीजिए, बस आपका इंपल्स आपको मिल जाएगा। यहां से 1/2 इंटू ए बी हमारे पास क्या है ए बी, देखो यहां से यहां तक का गैप कितना है 2.5 - 1.5 दैट मीन्स 1 प्लस ओ बी डैश, प्लस ओ बी डैश, ओ बी डैश यहां से यहां तक का ये है हमारा 2.5 इंटू ए ए डैश, ये यहां से यहां तक का कितना है 3 प्लस 1/2 इंटू बी बी डैश, बी बी डैश हमारे पास है 3 प्लस सी सी डैश, सी सी डैश यहां से यहां तक कितना है 2, ठीक है, इंटू बी बी डैश, बी बी डैश ये यहां से यहां तक का गैप कितना है 3 - 2.5 यानी 0.5 प्लस सी डी, सी डी हमारे पास कितना है भाई, सी से डी तक की ये वैल्यू कितनी है 4 - 3 दैट मीन्स 1 इंटू सी सी डैश ये हो जाएगा 2, सी सी डैश की ये जो हाइट है ये 2 के बराबर है। चलो भाई करते हैं, अब कितना हो गया हमारे पास में, ये 1/2 इंटू ये 3.5 इंटू 3
और ये 1 बाई टू इंटू कितना हो गया 3 प्लस 2 5 इंटू 0.5 का मतलब होता है 1 बाई टू ही, ठीक है, और प्लस 2 1 प्लस 2 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। एक वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, ठीक है। इसको सोल्व करोगे जो आंसर आता है, इसको करके देख लो आप, ठीक है, इनको ऐड कर लो तो यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसको ऐड करने के बाद कितने आंसर आ रहे हैं देखो, टाइम ज्यादा वेस्ट हम नहीं करना चाह रहे हैं यहां पे, ये आ रहा है हमारा 8.50 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा इंपल्स, इंपल्स पता चल गया। अब उसने एक और चीज हमसे पूछी थी कि जो फाइनल स्पीड है बॉडी की वो क्या होगी, भी फाइनल स्पीड बॉडी की कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमें समझ आ चुका है, फाइनल स्पीड निकालते हैं। फाइनल स्पीड हमें पता है मोमेंटम v माइनस u, ये होता है चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स, ये वैल्यू होता है, और ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 8.50 इज इक्वल टू m, m की वैल्यू है 2, और v हमें कैलकुलेट करना है, u उसने दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। सो v माइनस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 8.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यानी कहने का मतलब इतना, ठीक है। और अगर हम v लिखें तो v कितना आ जाएगा प्लस 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, और u में राइट इट इज 9.25 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ये होगी। बहुत इजी है, देखो थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बेटा, और न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए देखो माइंड में यूज जो हमें करना पड़ता है मेनली, किस पे हमें फोकस करना पड़ता है, हमारे कंसेप्ट्स को, कंसेप्ट क्लियर है तो आपका न्यूमेरिकल आपसे निकल जाएगा, नहीं तो